ये आज जो सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से बाइक रैली है, ये डी एडिक्शन बाइक रैली है। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज। मैं मोहम्मद जिक्रिया। बरोज़ हफ्ता 6 जुलाई 2024 को सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट बैंगलोर, जिसके सरबरा इमरान शाह हैं, उनकी सरपरस्ती में एक बहुत बड़ी बाइक रैली नशे के खिलाफ निकाली गई। इस एंटी ड्रग बाइक रैली का इफ्तिताह जेसी नगर से हुआ और इख्तिताम शिवाजी नगर रसल मार्केट चांदनी चौक पर हुआ। सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट कई सालों से नशे के खिलाफ बेदारी और वो नौजवान जो नशे में मुलव्वस हैं उनका रिहैबिलिटेशन करने में मदद करती आ रही है। इस रैली में एक्स कॉरपोरेटर्स अब्दुल वाजिद, शकील अहमद, दलित लीडर्स, पुलिस के अहलकार, वकील अहबाब और स्कूल के बच्चे शामिल रहे। रैली का मकसद था कि नौजवान नस्ल को नशे से बचाना और लोगों में बेदारी लाना है। तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने जो रैली निकाली है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उसका इख्तिताम हुआ। अब ये रैली किस वास्ते निकाली गई? सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की रैली किस वास्ते निकाली गई? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहर से, हमारे देश से इस ड्रग्स को फ्री करा जाए। अगर हम हर कोई जो है अपनी नजर से देखना शुरू हो जाएंगे, बुरे को बुरा कहना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इस बुराई का खात्मा होगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है तो आज आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अवेयरनेस में नहीं आएंगे तो शायद आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। आपकी नस्लों को बचाना है तो इंशाअल्लाह आप अवेयर हो जाएं। देखें, अगर कोई आपके पास आसपास कोई ड्रग बेच रहा है, आप जो है उसको देखकर पुलिस वालों को रابطہ करें। अगर हो सकता है उसकी पूरी फोटोग्राफ ले, वीडियोग्राफ ले, आप पुलिस वालों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको पुलिस वालों तक जाने डर लगता है, आप जो है ये आज जो सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से बाइक रैली है, ये डी एडिक्शन बाइक रैली है। और इसका मकसद क्या है? हर मोहल्ले में पैगाम पहुंचाना, अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस किस चीज़ का? अपने अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाने का। अवेयरनेस किस चीज़ का? जहां पे भी ये गलत हो रहा है, जो हर एरिया में गलियों में जो ड्रग्स बेचा जा रहा है, इस पे रोक लगाने का अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आवाम तक पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, वहां तक हम आवाज़ पहुंचा देंगे, वहां से अगर ये लोग समझ के कोई अतराफ में गंदगी फैल रही है, कोई बेचना चाह रहा है, ये गंदगी बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, तो वो अपने अपने मस्जिदों को कांटेक्ट करें,
हाँ, अकेले में जाने में डर लगता है लोगों को, पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, ये हम लोगों को क्यों चाहिए बोल के। तो मैं कहता हूँ आप जो है अकेले नहीं जाना चाहते तो आप जो है मस्जिदों तक आओ, ये मैसेज पहुँचाओ, इंशाअल्लाह इसके बाद जो है आपका ये खुद ब खुद हमारे मोहल्लों से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को परमिशन के साथ भेजा गया है, रैली में जो है उनका बहुत सा सपोर्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ भी चले। जहाँ भी हम मोहल्ले में जा रहे हैं वहाँ के स्टेशन के जितने भी ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज की जो रैली थी शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पे जाके खत्म हुई? ये जो रैली जामिया मस्जिद मुनरेडी पाड़िया से शुरू हुई और रहमत नगर गई, वहाँ पे हम लोग जो है एक अवेयरनेस लेके आए, गलियों में गए, उसके बाद में चामुंडी नगर गए, उसके बाद में फिर यहाँ पे आए गोविंदपुरा में। अब यहाँ से हम लोग जो है HBR जाएंगे, काड़गुनली जाएंगे, फिर DJ हल्ली जाएंगे, उसके बाद फ्रेजरटाउन जाएंगे, मस्जिद के पास इस्माइल सर मस्जिद के पास जाएंगे, उसके बाद तिमया रोड जाएंगे, फिर रसूल मार्केट हमारा लास्ट स्टॉप होगा। देखिए, जो भी ये रैली बाइक रैली निकली हुई है, ड्रग्स के मामले में हर एक घरों के बच्चे बहुत से बिगड़ते जा रहे हैं, इसे एक अवेयरनेस ले लगाने के लिए ये मुद्दा उठा कर है, जो हमारे इमरान शाह ने और इनकी टीम ने और जितने भी नौजवान साथी मिलकर जो इस मुद्दे पर चल रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे और अच्छे आने वाले नस्लां भी सुधर जाए। सबसे पहले माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है औलाद को सुधारने का, इसके बावजूद भी ये बच्चे दलदल में जा रहे हैं तो फिर कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट में है और डिपार्टमेंट भी सपोर्ट में है, और जहाँ कहीं भी गंदगी दिखती है कोई भी डरना नहीं, हाथ पकड़ कर समझाओ, नहीं समझे तो डिपार्टमेंट को ले लगा को दिखा को वार्निंग दिलाओ। और उसके बावजूद क्या है मालूम, ये एक बच्चा ख़राब हो गया, पूरी नस्ल ख़राब होगी, घर भी बर्बाद हो जाएगा, इनका माशरा भी ख़त्म होएगा। और माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है, अपना औलाद ख़राब हुआ तो दर दर भटकने से क्या है, अपने औलाद को खुद संभालना पड़ेगा। ये हम लोग एक लिंक चेन बनकर सुधारने का एक अवेयरनेस ले लगा रहे हैं इंशाल्लाह, और इन लोगों को अच्छे से चलने का तौफीक दे और कामयाबी हासिल करें और ये ड्रग्स के नशे से बचकर जाए, क्योंकि ये लिंक चेन है, ये जहाँ से आता है, जहाँ से बिकता है और नस्लों तक पहुँचता है, ये मामला बिगड़ने से पहले रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। और तमाम मोहल्ले के और ज़िम्मेदारों को भी यही कहना चाह रहे, एक अच्छी सी एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जितने भी नौजवान आज के दौर के अंदर बिगड़ते हुए जा रहे हैं, कल का दिन जंग का ऐलान हो गया, कल लड़ने के लिए ताकत नहीं रहेगी, खंडने की भी ताकत नहीं रहेगी, और उसके बावजूद भी क्या है अगर को बोले तो कम से कम एक कम्युनिटी के इस पे नहीं है, मुसलमान में के अंदर नहीं है, हर आल कम्युनिटी में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के अंदर ये सब भी नशे की इल्लत है, ये बचने की और बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको भी हमारे बोलने में भी हिदायत दे और उन लोगों को खुद सुधरने में भी हिदायत दे। जय हिंद, जय कर्नाटका।